obsessed, got me obsessed, got me obsessed. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो भाई आज हमारा प्लान ऐसी पहले से बन रहा था कि संडे को कहीं जाएंगे, मतलब अभी तो इशू है और मैं हूँ गाड़ी में, गेट खोलना पड़ेगा तो इनको आना था, वो भी आ गए। हेलो, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, आई है आप लोग। वो किधर है? वो तेल पानी ले रहे हैं, पानी लेने गए। पानी में लाया हूँ आज, बट वो उतर गए और लेने चले। और ये देखो कि यहाँ पे था पानी वाला, यहाँ पे भी है, उधर गए, उधर मुझे लग रहा है। भैया आप तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले यार, वीडियो देख रहे हो आप, क्या कर रहे हो ये सब? चलो कोई नहीं भैया, पानी लेके आते हैं, फिर बैठते हैं, फिर हम यहाँ से निकलते हैं फट से, फिर एक और बंदी को उठाना है, फिर देखते हैं कहाँ जाना है। तो भैया बताओ, कुछ बात करो इनसे यार, लोगों से। सब बढ़िया भाई, हम लोग जा रहे हैं घूमने फूमने। ये मैं बता चुका हूँ, थोड़ी देर सही बताओ। हाँ, यहाँ रख दो क्या आराम से? हाँ आराम से गिरेगा भी यहाँ से नहीं गिरेगा भाई। ये कहाँ की बना रहे हो, पेट आ रहा होगा इसमें। तो गाइस हम जा रहे हैं आज मिलने, इससे सब लोगों से मिलने जा रहे हैं। हाँ सब लोगों से मिलने जा रहे हैं, मिल के खाने पीने जा रहे हैं। पीछे हमारे मेंबर्स, ये मैं दिखा चुका हूँ कुछ नहीं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सारे पीछे बैठे हैं, ये मैं दिखा चुका हूँ। एक मेंबर को अब लेने जा रहे हैं। इतना कैमरा हिला दिया आपने। Pour a cup of shots, but the Henny in my cup. कोई सच्चा दोस्त हो तो इन दोनों की तरह। भाई यीशु के फोन में भैया ने अपनी फेस आईडी लगाई हुई है, बताओ। मेरे को लास्ट टाइम पता चला था। और अब खोल के कह रहे हैं कि ये क्या है, व्हाट इज दिस? जैसे दोनों की अभी शादी होने वाली है इनकी। अल्टीमेट तो पता ही कब लगा, जब उस दिन मैं घर नहीं आया था तो इसने मेरे को फोन पकड़ाया, मैंने ऐसे करके ऐसे कर दिया, ये करेंगे खुला कैसे? ये बता दी कि मैंने लगा भी रहे हैं और इसको बता भी नहीं रहा कि मैं फेस आईडी लगा दी। जांच पड़ताल कर रही है ना, शादी हो तो ये होता है। ये कैसे हुआ, ऐसे लोग तो नहीं कर रहे। ये देखो साले अजरा भी चूक गया, या कट चुका गाइस। मैं बैठू ना बीच में? अच्छा मैं बैठ रही बीच में, आओ लड़कियों के ड्रामे गाइस। दीदी आप बीच में बैठ जाओ। हां हां बैठूंगी, आ जाओ। अरे इसको तो खोल दे बेचारे को, बाहर जाके खड़ा कहाँ है? उधर चला गया, इधर से उधर क्यों आया? अरे वो उन्हें सीट ज्यादा आगे कर दी, इधर हो जाओ ना। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। हेलो, मेरे चाचा कहेंगे मेरी गाड़ी का सही फायदा उठाया जा रहा है। इसको तेरे को क्या हो गया? मतलब उसको तेरे साथ आगे बैठना था। चल स्वाति दीदी के दोस्त आदित्य भैया और उनके बारे में हो रही है कि उन दोनों की लड़ाई हो गई थी, बट वो दोनों इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। भैया भी कह रहे हैं मैं मुक्का मारूंगी, तो झूठ बोल रहा है। किस रहे है ना शिवम भी है ना भाई, देखो मेरे को तो लग रहा है तू अभी तो मिल के आया है, क्योंकि तीन दिन में सॉल्व हो गई ना, जब उस दिन रिप्लाई नहीं कर रहा था ना कोई भी, कोई नहीं प्लानिंग कर रहा है क्योंकि उसने मुझे दिया था, उसका एक्सचेंज साइज कर रहा था, मैंने खोला नहीं। भाई तो एक्सचेंज साइज में बंदा नापता नहीं है, मैं तीन दिन से देख रहा हूँ, मैंने कहा वो पैर के पास ही पड़ा हुआ मेरे। अरे नहीं हुई भाई लड़ाई, जबरदस्ती लड़ाई लड़वा के बैठा दो हम दोनों। अरे हमें पता है नहीं, देखा क्या नहीं भाई, देखो उस दिन पोलिंग भी नहीं करी भाई उसने, पोलिंग दोनों के लिए आपस में दो रिप्लाई करा बाद में, पहले इन्होंने आपस में क्या होगा, नहीं जा रहा मैं, नहीं जाऊंगा। फिर इसने थोड़ी देर बाद की, बिल्कुल नहीं। अरे कोई लड़ाई नहीं है, और एक और बात है, आंटी ने पूछा था, आंटी बात चल रही थी तो आंटी कह रही थी कि इसकी शादी भी करानी, तो आपने कहा था मुझे नहीं करनी शादी वाली। ये भी हुआ था मेरे को याद है। देखा यार मेरा, अपनी शादी की टेंशन लेती रहती है, बार बार शादी शादी करती रहती है, इसके लिए बोला मैंने कुछ तो। चलो भाई लड़ाई कह रही हूँ, मुझे शादी मुझे लेट करनी, कंटेंट दे दिया उन्होंने थोड़ा, तो मैंने जानबूझ के टॉपिक चला था, कंटेंट चाहिए किसी, कुछ सामान लाना था, मेरी मां की रहती है। तो भाई हम पहुंच गए, हमने फाइनली डिसाइड किया गलेरिया मार्केट गुड़गांव जाने का। अब यहाँ ये देखते हैं कि हमको अंदर कहाँ बैठ के खाना है,
तो अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं एक डेढ़ बजे तक, तो चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलो चलो भाई। तो भाई अब देखते हैं कहाँ जाना है, ये डिसाइड नहीं हुआ कि बैठना कहाँ पे है, ये डिसाइड तो हो गया कि गलेरिया मार्केट आ गए, ये डिसाइड करने में हमको आधा घंटा लग गया भाई बताओ, तो देखते हैं आप। Show me what you made of. You know what I came for. I see the real you. You should let her at that cage more. मैं कह रहा हूँ कुछ खा लो, चलो मुझे बहुत गंदी भूख लगी। किधर जाना है भैया? है दारू नहीं ढूंढनी है भाई, इधर चलते कहीं, अंदर चलते हैं, इधर खाने का था, इधर कुछ भी नहीं है भाई, हमारा खाने का डिसाइड नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। ये क्या है? क्योंकि यहाँ पे गिने चुने रेस्टोरेंट है ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम पहली बार आए हैं तो जगह पता नहीं क्या है क्या नहीं, तो अब देखते हैं भाई। एक तो बारिश भी स्टार्ट हो गई अब तो हल्की हल्की, ये बूंदें टपक रही हैं। भाई ये रेस्टोरेंट में मात हो गए मेरे को तो, इसका मेन्यू समझ में नहीं आ रहा, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, अजीब सी पढ़ाई लिखाई करवा के वहाँ के। इस वाले को ट्राई करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, पहले ही मेन्यू चेक कर लेंगे बाहर से, मैं ना जगह ही समझ में नहीं आ रही एक तो ही। हाँ तो हम सोच रहे हैं कि नीचे सरदार जी था तो वहाँ पे खाते हैं, पर वो ओपन था बस, यही बीटी है फ्रैंकी, वही तो खेलेंगे ना नीचे। हाँ तो वही नीचे से तो खा रहे हैं, तो ये कुछ नीचे ऐसे ही एक उसमें रो में, हाँ एक रो में रेस्टोरेंट है छोटे मोटे, नहीं मतलब वो ओपन है तो वहीं चलते हैं। मैं मोमोज खा के, जब सब सारे कॉफी बोलते हैं तो कहते हैं मैं चाय पीऊंगा भाई, मैंने मोमोज खा के और उससे पहले अल्टीमेट, जब सारे ना कुछ भी नहीं करते ना तो कहते हैं मैं आइसक्रीम खाऊंगा, नैनीताल में जाके आइसक्रीम खाऊंगा, मैं आइसक्रीम खाऊंगा। हम टीका लेंगे तो अगर सुनोगे, कोई नहीं भाई अगर इसमें मिलेगा शॉर्मा तो खा लूंगा, तो शॉर्मा है इसमें नहीं है आगे वाले हां ये अमृतसरी वाली नहीं कौन खाएगी, खाने वो भी बोला ये शॉर्मा है मेरे से चले, इतना तो शॉर्मा है इसमें से कितने को खिलाएगा, बात नहीं करेगी कुछ नहीं करेगी, अभी देखना अभी कैमरा जब आएगी तो उसके उसको मिलाता हूँ, अभी गई हुई है हाथ तो मिला ले यार भैया, देखो आदमी नहीं मिला इन्होंने यार, सारों ने मिलके मेरे से लड़ाई कर ली और मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है भाई, मैंने लड़ाई नहीं करी है भैया का भी, मैंने दो मारे इसलिए बात कर रहा हूँ। अब इन लोग आइसक्रीम खानी है भैंस की, यहाँ कभी आइसक्रीम कभी कुछ ठंडा करने के लिए मैं खिला रहा हूँ। पानी दियो ये पानी भी नहीं दे रही भाई, पानी भी नहीं दे रही, पानी दे दे यार, दीदी के पास है पानी, पानी है तो टेस्ट करते बना ले, है भैया लेकिन मैं सबके साथ में नहीं रहता, गाड़ी में आया था, गाड़ी में कितनी उसमें थी, मैंने एक बार भी नहीं, जब नहीं भाई मैं साथ में देखा ही नहीं, मैं जब मैंने कौन सी नहीं, तो भाई तो कह रहा हूँ मैं उसमें नहीं रहता, मैं जब तीनों दो छपरी लोग देखो कैसे वो बना रहे हैं, ये आदमी के 100 पूरे लड़के वाले, इधर देखो इधर भाई क्या बात कर रहे हो, हाँ हाँ ये मेरे को इग्नोर कर रहे हैं सारे, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा
मैं अकेला पता नहीं कैसे व्लॉग करूंगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, हम आइसक्रीम में ध्यान लगा रहे हैं, अभी आइसक्रीम खा रहे हैं। बताओ, यीशु वॉफल में ध्यान लगा रहा है, मेरे को दिलाई भी नहीं, मैं पैसे नहीं लाया था, उसका फायदा उठाया गया है, खुद ही खाली लड़ाई कर ली। तो लोग आइसक्रीम ली थी, इन्होंने आइसक्रीम गिरा दी अपनी, ये देखो बात पूछ रहे हैं, पूरी आइसक्रीम गिरा दी। क्या हो गया भाई, आगे से भैया बैठेंगे ना गाइस, क्या हो गया, अबे आइसक्रीम गिर गई मेरे। गिरी कैसे, अबे यार ये पता नहीं, मैं उधर देख रहा था, ये हाथ में मैंने ऐसे किया, वो मतलब वो चल रहा था, मैंने ये वाला मतलब इसमें रहा था, मेरे ही साथ पकड़ा, तो मुझे लगा इसमें ऐसे कर दिया भाई, ये ऐसे इधर जा रहा था, तो मैंने सोच मतलब इसी हाथ में था, और मुझे लगा मैंने इस हाथ में कर लिया, और मैंने ये करके अरे यूं किया, मैंने गिर गई भाई, भाई ऐसे कोने में गिरी पड़ी। टेस्ट को वैसे ऐसे कभी फोन गिरा दो, फिर तुम्हें लगे इस हाथ में, इस हाथ में दूसरों की पेल रहे हैं, शर्म नहीं आ रही भाई, मेरे को पीछे बिठा दिया है, गाड़ी ये चला रहे हैं, बीच में बैठोगे, पीछे के दादा बीच में बैठे, बीच में बिठा रहे हैं, क्योंकि क्योंकि मैंने लड़ाई करी है, मैंने लड़ाई करी भी नहीं है भाई, ये देखो साला मैं सारे हेड ना मारूंगा तेरे हेड टाइप। अभी तो बहुत होगा, मुरी खाना है ये देखो, इससे लड़ाई हुई है, साला मेरा बटर चिकन जैसे, हाँ पाव भाजी तो अच्छा, पाव भाजी तो बढ़िया, एक ही चीज बढ़िया थी, और माधो कटती है, दो पैक करा ली, दो करवाई है, हाँ आदि और मम्मी। अच्छा आदित्य भैया आप आ नहीं रहे, पर मजे आपके पूरे आ रहे हैं। ये सही था, आई लाइक इट, आ नहीं रहे हमारे साथ कभी, यहाँ से पाव भाजी जा रही है तो भाई अब पहले भैया अपने घर जा रहे हैं, अपनी मेरी गाड़ी खुद ही चला के, इसलिए आगे बैठे क्योंकि ये पहले घर जा पाए। तो अब ये पहले अपने घर लगा रहे हैं, फिर मैं दान्या को छोड़ूंगा, फिर ईशु को छोड़ूंगा, और फिर मैं अपने घर जाऊंगा। उनको देखो फोन क्यों गिरा रहा है भाई, बच गया भाई, किसका ये तेरा जबीब है इसकी आंख, क्योंकि इससे तमीज नहीं है बात करने की, एक नंबर पे की कैसे बात करते हैं, पता नहीं किस चीज का एटीट्यूड है, थोड़ी आग लगाई है गुरु द्रोणाचार्य ने, ये तो इंडियन ऑयल है, अरे आप जीत गए, पापा का ऑफिस है यहाँ पे, आप जीत गए, गुरु द्रोणाचार्य है क्या पे, अरे तू क्या करेगा, पूछ भाई पूछने में क्या जाता है यहाँ पे, मतलब ये पहाड़ी वाला रास्ता था, यहाँ से निकलता है, बोलने ही नहीं दे रहे मेरे को भाई, मैं कह रहा हूँ कि मैं गालियाँ बिल्कुल नहीं देता अपने व्लॉग्स पे, क्योंकि बहुत लोग है फैमिली वाले, बहुत लोग क्या, मुझे लगता है मेरे सारे व्लॉग्स फैमिली वाले ही देखते हैं, मेरे वाले तो देखते ही नहीं है, तो भाई नहीं वाले बिग बॉस देखते हैं टीवी में लगा के, सही में इन्होंने मेरे को पहले बोला था कि चाय पिलाएंगे, अब बिना चाय पिलाए जा रहे हैं, ये बात मैं याद रखूँगा जिंदगी भर, ये बात मैं याद रखूँगा कि सफर अभी बाकी है, इसलिए मैंने आइसक्रीम भी नहीं खाई, तो मेरे वोफल खा लेना दीदी, वोफल वाफल नहीं पसंद, मेरे घर चलो, नहीं नहीं इसको छोड़ना है, फिर दोबारा भी कराऊंगा, मेरे को पता चल गया मैं चाय क्यों नहीं पी पाया, ये बताएंगे मैं, अरे वो आदित्य बैठा है इंतजार कर रहा है, अरे मेरे को ऐसे नहीं चाय, मेरे को अरे आई स्वेयर चाय, मैं आपको चाय पिलाऊंगी, मैंने आपको बोला ना, मैं आपको प्यार वो कैसे करें, इनकार देखते हैं, देखते हैं
मेरा ही ब्लॉग है, तू बोल रही है जो ठीक है। मैंने दीदी को बोला ठीक है चेप। तो भाई अभी देखते अगर मेरे माँ बाप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे को जबरदस्ती अपने घर ले आए चाय पिलाने रात के 11:30 बजे। अरे मुझे बंद कर दिया अकेले, सब बाहर उतर गए। तो ये मान नहीं रहे भाई चाय पिलाने घर ले आए। अब बताओ तो अब जाना पड़ेगा, क्या करूँ, सब उतर गए। चलो भाई चाय पी लेते हैं फिर। खोलो भाई। ये कैसे खोल रहे हो? ये कैसे खोल रहे हैं भाई? ये ऊपर करूँ चाबी तार पे लटक जाए भाई, जैसी हमारी किस्मत है वो भी जाएगा। तभी मैंने दोबारा नहीं उछाला। मैंने कहा कहीं नहीं जाती, हम पत्थर मार रहे हो तार पे। लोग कहेंगे भाई ये कितना डेस्परेट है चाय के लिए। भाई जबरदस्ती ले गए, मैं तो मना कर रहा था कि छोड़ो भाई छोड़ो, चाय चुए बाद में पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यो गाइस इधर इधर चीज होंगे, शायद 1:30 बज गया होगा। अब हम अपने घर पहुँचे हैं, अभी जस्ट गाड़ी पार्क करी है। गाड़ी हमारे घर से थोड़ा दूर खड़ी होती है, दूर क्या मतलब थोड़ा सा दूर है कि पार्किंग थोड़ा पीछे है। तो अब लगा के गाड़ी, अब जा रहे हैं अपन घर। थोड़ा लेट हो गया आज क्योंकि ऐसे लड़की को छोड़ नहीं सकते ना भाई, रात हो रही थी तो इसलिए छोड़ के फिर अपन आए हैं। तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब मजे करो, घूमो फिरो।